Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया। आज MTTV इंडिया को हो गए हैं पूरे 2 साल, और 2 साल तक MTTV इंडिया की पूरी कोशिश थी कि किस तरह से अजमेर और राजस्थान के कोने कोने की खबर आप तक पहुंचाए, उस खबर की गहराई को आप तक पहुंचाए और कोशिश करें कि हर वो सूचना जो आप चाहते हैं जानना वो आप तक पहुंचाए। अब क्या प्लान है, अब क्या सोच है इस तीसरे साल के प्रवेश के समय MTTV इंडिया की, जानेंगे हम MTTV इंडिया के ही एडिटर और को एडिटर से कि क्या सोचते हैं वो। सबसे पहले हम बात करेंगे आशीष जी से कि वो क्या सोचते हैं और तीसरे साल में कैसा रहेगा MTTV इंडिया का सफ़र। सबसे पहले ललित, थैंक यू वेरी मच पार्ट बनने के लिए। राजवीर को थैंक यू, सुशील को थैंक यू, सुल्तान मेन एडिटर को थैंक यू, और हमारे नितिन को, माथुर को, और बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। और हम उन लोगों को, व्यूवर्स को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, हम व्यूवर्स को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं,
और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम जो बन पाए हैं, और ये दौर जारी रहेगा, हम तीसरे साल भी और ज़्यादा मेहनत कर आपका दिल जीतेंगे। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के लिए, थैंक यू। आशीष जी ने अपना विचार कहा। अब हम जानेंगे MTTV इंडिया के चीफ एडिटर कि वो क्या कहते हैं, तीसरा साल कैसा रहेगा MTTV इंडिया के लिए। सुशील पाल, सबसे पहले तो हम हमारे जितने भी दर्शक हैं और जो लोग हैं हमें प्यार देने वाले, हमारे ऊपर भरोसा जताने वाले, उन सबका शुक्रिया करते हैं। हमारे विज्ञापनदाताओं का शुक्रिया करते हैं जिनकी बदौलत हम बहुत तेज़ी से पूरे राजस्थान में पांव पसारने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दो साल हम लोगों को पूरे हो चुके हैं। 20 जनवरी 2017 को हमने MTTV इंडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू किया था और लगातार काम करते रहे। बहुत छोटी सी टीम के साथ में हमने शुरुआत किया। शुरुआती दौर के अंदर बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा, कई चुनौतियों का सामना हमारे सामने आया। उन सभी को पार करते हुए हमारी टीम के सहयोग से टीम धीरे धीरे बढ़ती गई। कई लोगों ने हमको निःशुल्क अपनी सेवाएँ दी और कई विज्ञापनदाता ऐसे थे जिन्होंने पहली बार के अंदर ही हमारे ऊपर भरोसा जताया, विश्वास जताया और हमारे साथ बाज़ार में उतरे, उनका भी धन्यवाद करते हैं। वैसे तो मेरा काम एडिटोरियल पार्ट को संभालना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कई विज्ञापनदाता होते हैं जिनकी बधाइयाँ आज मुझे मोबाइल पर मिली है, जिनके बारे में मुझे मालूम पड़ा कि वो हमारे विज्ञापनदाता हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहला उन्हीं को शुक्रिया करता हूँ और उसके बाद जो शुक्रिया अदा करता हूँ वो हमारे दर्शकों को करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार हमको दिया। इन दो सालों के अंदर हमारा भरोसा, किस तरीके से हम उनका भरोसा बने हैं, हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, और सबसे बड़ी बात अजमेर शहर के अंदर जो लोगों ने हमसे उम्मीद जगाई है, उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई है MTTV इंडिया के अंदर कि कैसे उन लोगों के मुद्दों पर, समस्याओं पर हम काम कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे वर्ष के अंदर सबसे खास बात यह है कि इस साल MTTV इंडिया ने अपनी कंपनी के अंदर निवेशकों के लिए रास्ता खोल दिया है। इन्वेस्टर्स को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं और अब हमारी कोशिश है कि जो हमारी फरवरी और मार्च का जो दौर है हमारा, फरवरी मार्च के अंदर हम इन्वेस्टर को अपने साथ शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि हम ऐसे कंटेंट के ऊपर काम करें जो लोगों की समस्याओं को सुलझा सके, लोगों को समाधान दिला सके, प्रशासनिक अधिकारियों तक बात पहुंच सके। क्योंकि तीसरे वर्ष का जो हमारी टैगलाइन है, वो टैगलाइन है आपकी आवाज़ हर मोबाइल तक। हम चाहते हैं कि आपकी समस्या जो भी हो वो हर मोबाइल तक जाए। हर मोबाइल तक का मतलब है हर उस प्रशासनिक अधिकारी तक जाए जो उससे संबंधित है, हर उस जनप्रतिनिधि तक जाए जो उससे संबंधित है, हर उस नेता तक जाए जो उससे संबंधित है, हर मंत्री तक वो समस्या जाए, सरकार तक वो समस्या जाए। इसीलिए हमने टैगलाइन रखी है तीसरे वर्ष की कि आपकी आवाज़ हर मोबाइल तक, दर्शकों तक भी हम पहुँचे और पूरे राजस्थान में पांव पसारने की हमारी कोशिश इस साल की 2020 की है। और इसीलिए हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है, टीम लगातार हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि हर मोबाइल तक राजस्थान के अंदर हम पहुंच पाएँ, लोगों की आवाज़ बन पाएँ। जो भरोसा दो साल तक का हमारा था वो भरोसा तीसरे वर्ष में और तेज़ी से बढ़े, कोशिश यही है लगातार। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया दर्शकों का, हमारे विज्ञापनदाताओं का, और जो आने वाले निवेशक हैं जिनका इंतज़ार हम कर रहे हैं और अभी तक जिन्होंने भरोसा हमारे ऊपर जताया है, निवेश करने की बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि मोदी सरकार ने डिजिटल मीडिया में 26% की FDI की मंजूरी दे दी है और 2020 डिजिटल मीडिया के लिए बहुत तेज़ी से नए कानूनों के साथ आने वाला है, सरकारें कई योजनाएं लेकर आने वाली है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्याएं और बेहतरीन कंटेंट को हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। 2020 में अजमेर में पार्षद के चुनाव भी हैं, हमारा फोकस वो भी है, उसके साथ साथ राजस्थान के 5 संभागों के अंदर हम लोग जाने वाले हैं, हमारी टीम को हम वहाँ पर फैलाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो कोशिश यही है कि जैसा प्यार हमको इन 2 सालों में अजमेर के अंदर मिला, वैसा ही प्यार हमको उन बाकी के 4 संभागों के अंदर भी मिले जिससे हम बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम कर पाएँ। ललित, तो ये है एक्सक्लूसिव कि तीसरे साल में MTTV इंडिया का टैगलाइन रहेगी आपकी आवाज़ हर मोबाइल तक। और हमारे साथ है हिमांशु जी, इनसे भी जानते हैं कि 2 साल कैसे रहे और तीसरे साल में क्या रहेगी MTTV इंडिया की सोच। जैसा कि 2 साल MTTV इंडिया को हो गए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों ने जो इतना प्यार दिया 2 साल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल में हम लोग धीरे धीरे जो आज इस लेवल पे पहुँचे हैं, उसके लिए दर्शकों का ही जो प्यार है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आज उनके दर्शकों को इतना प्यार से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सुशील और आशीष भैया ने जो इतनी मेहनत करी है आज इस लेवल पे एमटीटीवी इंडिया को लेकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये जो वीडियोज़ है आप तक पहुँचाते हैं सुल्तान, अब हम इनसे जानेंगे कि 2 साल इनके लिए कैसा रहा और अब आने वाला समय में ये क्या नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो 2 साल जो एमटीटीवी को पूरे हुआ है इसकी मैं बधाई दूंगा, और ये 2 साल जो 2 जनों के लिए हुआ है के साथ वो है आशीष जी और सुशील पाल जी के साथ, इन्होंने ही जो भी था सब कुछ संभाला है 2 साल तक, इन्होंने ही बांध कर रखा। तो ये आशा करूँगा कि 2 साल और दो आगे आने वाले सालों में और अच्छा काम करेंगे, और ख़ास करके नए कंटेंट के साथ हम आएंगे, कुछ नई चीज़ों के साथ आपके आएंगे, तो शायद आपने दूसरे न्यूज़ में नहीं देखी होगी डिजिटल प्लेटफॉर्मर पर, उन पर भी हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे और आने वाले समय के साथ। वो प्लस एक ख़ास चीज़ जो हमारा कंटेंट होता है उसका ख़ास कैमरा मैन हमारे साथ राजवीर का भी साथ रहता है, तो राजवीर को भी बधाई इस चीज़ के लिए। तो ये थे आप तक खबरें पहुँचाने के लिए पहुँचाने वाले सुल्तान अली। तो अब ये खबरें आप तक पहुंचती है जिस जरिए से और जो इन कैमरे के पीछे रहते हैं राजवीर सिंह, उनसे भी जानेंगे कि 2 साल तक आप तक खबरें पहुंचाने के लिए उनको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी और किस तरह से, क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं राजवीर और यही उन सभी दिक्कतों का सामना करते हैं आप तक सच्ची खबर पहुँचाने के लिए, खबर की गहराई तक आपको लेके जाते हैं। तो राजवीर से जानते हैं कि 2 साल इनके लिए कैसे रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम जनता की आवाज़ है, हम जनता के लिए काम करते हैं और खतरों से खेलने की तो हमारी आदत पड़ चुकी है, ऐसे खतरों को तो हम टालते रहते हैं। और एमटीटीवी इंडिया को आज 2 साल हो गए, मैं एमटीटीवी इंडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ना रुके कभी ना डरे कभी। एमटीटीवी इंडिया जो पत्रकार टीम है ना किसी के दम आगे रुकती है ना किसी से डरती है, जिस तरह से एमटीटीवी इंडिया खबर लिखती है उसी तरह लिखती रहेगी। ये थे वह सभी लोग जो कि आप तक सच्ची खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 3रा साल और उसके आने वाले आगे के सभी साल पूरी कोशिश रहेगी एमटीटीवी इंडिया की इस टैग लाइन के साथ कि आपकी आवाज़ हर मोबाइल तक पहुंचे और आपकी आवाज़ को हम हर उस इंसान तक पहुंचा पाए जहां तक वो पहुंचनी चाहिए और वो खबरें आप तक पहुंचा पाए जो आप तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।